तो यार मन तो बहुत करता है कि वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालने लगूं, पर टॉपिक नहीं मिलता, यानी कि जिस टॉपिक पर वीडियो बनानी है वो टॉपिक नहीं मिलता। तो अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप बहुत सही जगह आए हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आपको आगे चलकर जरूर सक्सेस मिलेगी, अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉपिक, मतलब किस टॉपिक पर आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो वो टॉपिक, राइट। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5th पर है एजुकेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। यार एजुकेशनल चैनल ना कोई भी बना सकता है, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक प्रोफेशनलिस्ट हो। टीचर हो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी 30-40 बच्चों को पढ़ाते हो, एक बार कैमरे के आगे पढ़ा दो, यूट्यूब पर अपलोड कर दो, बन गई वीडियो। सेकंड चीज़ आती है स्टूडेंट हो तो यार और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे होते हैं ना जो कि केवल स्टूडेंट को ही समझ में आते हैं। टीचर ने बोल दिया कि भैया याद कर लो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री वाले टीचर ने बोल दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे याद करेगा। अब वो अपनी कुछ ट्रिक लगाएगा, अपना कुछ जुगाड़ लगाएगा, देन याद करेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ माइंड है, क्रिएटिव माइंड है कि आप एक बच्चों के लिए ट्रिक या जुगाड़ कर सकते हो, तो आप उन ट्रिक्स को यूट्यूब पर शेयर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो कि ऐसे ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैंने भी 12th क्लास में केमिस्ट्री ऐसे ही याद की थी, यूट्यूब से ट्रिक्स वगैरह सीख के, और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो आप ऐसा भी चैनल बना सकते हो। बात करें अगर आप एक प्रोफेशनलिस्ट हो, लाइक डॉक्टर हो, लॉयर हो या फिर कुछ और हो, बैंक में हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी लोगों को दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा नहीं पता हो। मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप बता सकते हो लोगों को कि मेंटोस खाने के बाद भैया कोक मत पियो, और अगर आप एक लॉयर हो तो लोगों को बता सकते हो कि अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 दिन बाद भी अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना सही है कि नहीं है। और अगर आप एक बैंकर हो तो आप बता सकते हो कि नई जीवन बीमा पॉलिसी आई है, इसे ऐसे ऐसे करा लो, इससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, यूट्यूब से भी पैसा आएगा। हमारी लिस्ट में 14th नंबर पर आता है गेमिंग चैनल। गेमिंग चैनल में भैया इतनी ज़्यादा पावर होती है कि लोग इसके आगे बैठ के 4-4 घंटे 5-5 घंटे कब बिता देते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब आप मेरी वीडियो देखकर चले जाओगे, अभी 5-7 मिनट की वीडियो भी देखकर चले जाओगे, लेकिन गेमिंग चैनल में अगर आप एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और किसी ने देखना स्टार्ट किया और उसे इंटरेस्ट आने लगा आपके गेम प्ले में, तो यार वो बैठा रहेगा, देखता रहेगा जब तक आप लाइव एंड नहीं करोगे। आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, गेम खेलने के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, राइट। गेमिंग के चैनल स्पॉन्सरशिप से भी कमाते हैं, एडसेंस से भी कमाते हैं, और जो लोग डोनेशन देते हैं उससे भी कमाते हैं। नंबर 3 कैटेगरी की बात करें तो आप वीडियोज बना सकते हो म्यूजिक पर, फिल्म्स पर, एनिमेशन पर और न्यूज पर। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको एक टीम की ज़रूरत है, और अगर आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, इस पर चैनल बना डालो। चलते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ जो कि है कॉमेडी, वाइंस, डेली व्लॉग्स या फिर ट्रेवल व्लॉग्स। यार ये कैटेगरी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा चली है लॉकडाउन में, बहुत ज़्यादा बूम हुआ है इसमें। घर में पड़े पड़े लोग बोर हो रहे थे तो लोगों ने कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी भी सिचुएशन को लेकर उस पर सार्कास्टिक कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रैवल व्लॉग्स तो भैया पूछो मत, कोई भी अगर घूमने चला गया तो उसकी वीडियो को ऐसा वायरल किया है ना। एक बात बताता हूँ, ये जो लॉकडाउन हुआ है ना उसने लोगों के अंदर के पैशन को जगा दिया है। मतलब हर कोई जो सोचता था ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो लॉकडाउन में वो कर रहा है। लाइक मुझे ये लो, मैं सोचता था यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, लॉकडाउन की वजह से अब मैं कर रहा हूँ। और लॉकडाउन की वजह से ही काफ़ी सारे लोगों ने प्लान्स बना लिए थे कि भैया लॉकडाउन खुल जाएगा, घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, काफ़ी सारे लोग कोरोना वायरस की वजह से अभी भी डर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो घूमने जा रहे हैं वो व्लॉग्स बनाकर डाल रहे हैं। और जो लोग घूमने जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं वो उनके व्लॉग्स देखकर ही दिल को शांति दे रहे हैं। तो आप ऐसा भी चैनल बना सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर जो आता है वो काफ़ी अलग टॉपिक है, मतलब ऐसा चैनल कोई अभी ज़्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन आप वो कर सकते हो। रिस्क लो, हो सकता है बहुत अच्छा निकल जाए, क्योंकि लाला रिस्क है तो यू नो वेरी वेल। तो इस टॉपिक का नाम है माइथोलॉजिकल बिलीव्स विद साइंस। जी हाँ, जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो कि आपके दादा या आपकी दादी आपको सुनाते होंगे, उनमें आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे जादू होते थे या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिन पर बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को बता सकते हो कि भाई वो जादू नहीं था, वो साइंस थी। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी उड़ते थे, राइट। तो वो कैसे उड़ते थे? वो ऐसे उड़ते थे कि वो अपनी बॉडी पर जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है उसे ज़ीरो कर देते थे, अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को वो बैलेंस कर लेते थे। काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ आसान भाषा में समझा पाते हो तो आप एक ऐसा चैनल खोल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप हिंदुइज्म से रिलेटेड ही चैनल खोलो,
हर रिलीजन के अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी स्टोरीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर थी, तो आप उन सुपर नेचुरल पावर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो आज के टर्म्स में कि भैया वो जादू नहीं था, वो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे उनके जादू के पीछे ये स्ट्रेटेजी रहती थी, ये साइंस रहती थी। तो ये थे हमारे वो 5 टॉपिक्स जिन पर अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा बूम आप लोगों को मिल सकता है। एक बोनस टॉपिक मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया ना आप लोगों के लिए, तो भैया एक चैनल बना डालो जिसका नाम रख दो टॉप 5। उस चैनल पर आप टॉप 5 वीडियोज बनाने स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग कैसे करो, स्टार्टिंग करो अपने सिटी से। फॉर एग्जांपल मेरा सिटी अगर गाजियाबाद है तो मैं वीडियोस बना सकता हूँ टॉप 5 स्ट्रीट फूड ऑफ गाजियाबाद, टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स ऑफ गाजियाबाद, टॉप 5 क्लब्स ऑफ गाजियाबाद, और ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करते करते ले जाओ आप इसे वर्ल्ड वाले लेवल पर, टॉप 5 क्लब्स इन द वर्ल्ड, टॉप 5 होटल्स इन द वर्ल्ड। समझ गए? इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी भी चीज से टॉप 5 निकाल कर आप यूट्यूब पर डाल सकते हो, आपका कंटेंट जो है वो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।